गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन। सो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू गिव डायरेक्शन ऑफ यू नो ऑफ एनी वेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब हमारे पास रिजल्टेंट हो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जब हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो तो वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम लोगों ने समझा। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ इस प्रकार की बातें समझी थी कि जब हम डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, समझे ध्यान से, और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, जब हमें बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़े या फिर किसी भी एक वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो बेसिकली वो हम दो तरीके से करते थे। रिमेंबर, वो क्या करते थे, एक था द एंगल मेड बाय इट, एंगल मेड बाय द वेक्टर, विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर वेक्टर 2D हो, और एक्स वाई एंड जेड एक्सिस अगर वेक्टर 3D हो। क्या ये समझ में आया, थोड़ा सा अकल लगाना, बताना ये समझ में आया कि नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई रोट हियर, कि अगर आपका वेक्टर, सुने ध्यान से, अगर आपका वेक्टर 2D है तो वो वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कितना है, दैट विल गिव यू द एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ मेनी वेक्टर्स विद द एक्स और वाई एक्सिस। एक तरीके से एंगल ऐसे दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी वेक्टर का जो 3D वेक्टर अगर है तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से, किसी भी एक एंगल से एक्सिस से दिया जा सकता है। एक तरीका तो ये था एंगल दिखाने का। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था यूनिट वेक्टर मेथड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो इस चीज को, यूनिट वेक्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मेथड क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा इसे। यूनिट वेक्टर मेथड, तो यूनिट वेक्टर मेथड क्या है कि हमने ये पढ़ा था, याद करो, किसी भी वेक्टर को, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका होता है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय मल्टीप्लीकेशन साइन। एक पार्ट होता है इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, या फिर ए वेक्टर को दो वर्टिकल डंडों के बीच में डाल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इनटू ए कैप, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, याद आ रहा है आपको। तो ये जो ए कैप, दिस इज व्हाट, दिस इज ए वेक्टर बाय ए, सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। तो जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो समझे हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। किसी भी वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ उसी वेक्टर से डिवाइड कर दे, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द यूनिट वेक्टर, वी विल गेट द यूनिट वेक्टर। क्या क्लैरिटी है, आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय अ नंबर इज मीनिंगलेस, नो। अगर किसी नंबर को या किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड करे तो वो मीनिंगलेस होता है। किसी वेक्टर को एक नंबर से डिवाइड करना या एक नंबर से मल्टीप्लाई करना इज नॉट मीनिंगलेस, नो। क्लियर है ये? कोई बोल रहा है कि सर लेकिन एक वेक्टर को एक नंबर से डिवाइड करना मीनिंगलेस होता है, नहीं, नंबर को वेक्टर से डिवाइड करना मीनिंगलेस होता है। दिस इज हैविंग मीनिंग भाई, दिस इज हैविंग अ मीनिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे इस चीज को। लेकिन फील करें जो मैं बोल रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा ये, थोड़ा सा वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है, नोट्स देखो अपना, ठीक है, नोट्स देखो आपको क्लैरिटी आएगी। अगर मैं एक वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करता हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्या बात समझ में आई है, दिस डज नॉट हैव एनी मीनिंग। समझ में आई बात दोस्तों, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करने का नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है,
या फिर एक स्केलर को वेक्टर से अगर हम डिवाइड करें, दिस ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं, ये सब बेसिक बातें ये समझ के रखिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन वेक्टर को हम डेफिनेटली एक मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं या मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका उसका हमें उसका मीनिंग है, या फिर इट इज नॉट दैट इट इज मीनिंगलेस, राइट, इसका मीनिंग है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, सो वी विल नॉट नेवर डू दिस, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, यूनिट वेक्टर देगा, समझ में आई बात। अब सवाल है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सुने ध्यान से। जब हम 2D वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो 2D वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ध्यान से देखिए, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते थे 2D वेक्टर्स के लिए। 2D वेक्टर्स के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली हम यूज करते हैं वो है XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें एक बात समझ में आती है कि जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें एक बात समझ में आती है कि जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहां पे लाई करता है, वो लाई करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जहां पे हम खड़े होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे हमारा XY कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, इधर x होगा, इधर y होगा, और z क्या होगा, z इस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, z एक्सिस, ठीक है। तो हम जब 2D वेक्टर की बात करते हैं तो जनरली वी टॉक अबाउट द ग्राउंड प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहां पे हम खड़े होते हैं, हम सरफेस पे हैं, तो यहां पे अगर हम दो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइंस खींच दें तो दे विल बी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमने क्या सीखा था, देखो 2D में, 2D में हमने सीखा था कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, फील करना, सपोज इफ आई से दिस वेक्टर इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन, एंड सपोज इफ आई से दैट दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल, ये अपने को पता है। तो हमें ये पता है कि हम इस वेक्टर को अलाउबल मूवमेंट्स देके अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हम इसको क्रॉस करा सकते हैं, कहां से, ओरिजिन से, ये हमें समझ में आता है, राइट। तो इस वेक्टर को हम उठा के यहां पे डाल सकते हैं। तो अगर हम इस वेक्टर को उठा के यहां पे डाल दिए, अब सुनना, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा था, ये वर्टिकल के साथ 53 डिग्री बना रहा था, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल 53 डिग्री होगा फ्रॉम बेसिक पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये 53 डिग्री हुआ, तो ये 53 डिग्री हुआ। अब हम इसके कॉम्पोनेंट्स निकाल सकते हैं, वी नो दिस। तो अगर हम कॉम्पोनेंट निकालें तो इससे हमें परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा x और y कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये हो जाएगा, ये 10 न्यूटन था, फील करें, ये हो जाएगा 10 cos 53, cos 53 is sin 37, sin 37 is 3/5, so this is will be 6 न्यूटन, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 10 sin 53 is cos 37, 10 into 4/5, 4/5 मतलब this will be 8 न्यूटन, समझे इस बात को, ओके, ठीक है, क्लैरिटी है, दिस यू गॉट इट, यू गॉट इट। अच्छा, तो 2D में ये 10 न्यूटन वाले वेक्टर को, ये जो 10 न्यूटन वाला फोर्स वेक्टर था, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो फोर्स वेक्टर है, दिस कैन बी रिटन एज 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, समझ में आया। तो अगर हम इस वेक्टर को, फोर्स वेक्टर को ऐसे लिखें, तो इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद करो, मैंने आपको कल सिखाया था, आई कैप का जो कोफिशियंट होगा, यूनिट छोड़ देना, यूनिट बाद में लिख देंगे हम लोग, प्लस जे कैप का जो कोफिशियंट होगा उनका स्क्वायर कर लेंगे, तो इट विल बी 64 प्लस 36, दैट इज 10 न्यूटन, दिस इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये तो 10 न्यूटन दिया ही हुई था, कोई दिक्कत नहीं, 10 न्यूटन आ गई मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन जो निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक तरीका मैंने बोला था एंगल, जो मैं ऑलरेडी कल बात कर चुका था, आइदर ये एंगल निकालो या फिर दूसरा वाला एंगल निकालो जो 53 डिग्री दिया हुआ, ये निकाल 53, तो ये 37 डिग्री हो गया, ये हम ऑलरेडी पता है, इधर x एक्सिस से या y एक्सिस से बता दें, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, विच विल बी फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाई फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखें ऐसे। तो फोर्स वेक्टर कितना है, इट इज 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप, ये है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, इसको डिवाइड करेंगे मॉड्यूलस से, विच इज 10 न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन उड़ा दो, तो यूनिट वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा 8 बाई 10 आई कैप
प्लस सिक्स बाई टेन जे कैप। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। क्या क्लैरिटी है ये, क्या ये समझ में आया? 8 बाई टेन आई कैप प्लस 6 बाई टेन जे कैप। क्या क्लियर क्लियर है ये, क्या क्लियर है ये? ये आपका यूनिट वेक्टर हुआ, दैट इज एफ कैप। ये यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है, ये यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ, फील करना। ये यूनिट वेक्टर है, इसके बारे में हम लोग एकदम बिगिनिंग में बात कर चुके थे, लेकिन इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे और अच्छे से इलैबोरेशन दूंगा मैं। ये आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस फोर्स वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर की, सर वी कैन राइट 1.4 आई कैप जे कैप, 1.4 आई कैप जे कैप, कहां से 1.4 आया भाई तेरा? नो, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, प्लीज स्टॉप, नो नॉट एट ऑल ओमकार, बिल्कुल नहीं लिख सकते तुमने जो लिखा है, वो एकदम सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तुम। समझ में आया? ध्यान से देखो, 8 बाई 10 आई कैप प्लस 6 बाई 10 जे कैप, क्या क्लैरिटी है ये? ये तुम्हारा आया यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो 8 बाई 10 आई कैप प्लस 6 बाई 10 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या सिखाया गया है, चेक कर लो, इट विल बी 8 बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई है? देखो, क्या ये 100 अपॉन 100 आएगा, क्या ये 1 आएगा? तो क्या यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो गई? और दूसरी बात देखो, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं है। देखो, ये प्लेन 8 बाई 10 आई कैप प्लस 6 बाई 10 जे कैप, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन शो कर रहा है और कुछ भी नहीं। देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे यूनिट थी 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप, लेकिन जब आपने उसको 10 न्यूटन से डिवाइड कर दिया, देखो न्यूटन न्यूटन कट गया, एंड यू आर हैविंग व्हाट, यू आर हैविंग 8 बाई 10 आई कैप प्लस 6 बाई 10 जे कैप। समझ में आया? यू कैन लीव इट दैट वे, नॉट रिक्वायर्ड, डू नॉट डू इट। कोई अगर एग्जाम्पल में जब आप ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन में डिपेंडिंग अपॉन 8 बाई 10 है या 4 बाई 5 है, आप उसको कर सकते हो एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है? डू नॉट वरी अबाउट इट। क्या क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या बात समझ में आई है? तो 2D वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुने, कोई भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और अगर एंगल पता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट, ठीक है ना? अच्छा, सुने ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम वेक्टर्स को आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये सब चीज का मतलब क्या हुआ, जो भी हमने पढ़ा है कि हम वेक्टर्स को आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर हम वेक्टर्स को आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका यूनिट वेक्टर भी उस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब लॉजिकली सोचो, आपने ये वेक्टर लाया, फोर्स वेक्टर इज दिस, राइट? अब आपको भी पता है कि कोई भी वेक्टर अगर लिखने का होता है तो उसका क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्या ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है? सब लोग बोले तो ध्यान सुना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन। सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ। देखो, 10 न्यूटन आया, इसके साथ मैं यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फील करना। यूनिट वेक्टर कितना है? 8 by 10 i cap plus 6 by 10 j cap. अगर आप इस 10 न्यूटन को ब्रैकेट ओपन करके इंडिविजुअल i cap वाले कोफिशिएंट और j cap वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आपको घूम फिर के यही वाला वेक्टर मिलेगा, 8 न्यूटन i cap plus 6 न्यूटन j cap? बोलो हाँ या ना, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्या आपको ये मिलेगा? लेकिन ज्यादा अच्छा फॉर्म ऑफ राइटिंग द वेक्टर कौन सा है? दिस इज द बेटर फॉर्म, because it is giving you an idea of two things. What are they? ये जो 10 न्यूटन है, this is giving you the magnitude. और ये जो 10, 8 by 10 i cap plus 6 by 10 j cap है, this is giving you the unit vector. So this is the better way of writing this vector. But when we multiply it by opening the bracket, then we lose this valuable information of 8 by 10 i cap and 6 by 10 j cap, because 10, 10 cancel हो जाता है. So we get something like 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप. क्या ये गलत है फिर? नहीं, ये गलत नहीं है, सही है. लेकिन इसको मॉडिफाई करके हम अगर जब 10 न्यूटन इंटू 8 बाई 10 आई कैप प्लस 6 बाई 10 जे कैप लिखते हैं, तो हम वेक्टर के ओरिजिनल फॉर्मेट को प्रिजर्व करते हैं कि कोई भी वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट को, डायरेक्शन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके बनता है कोई भी एक कम्प्लीट वेक्टर. क्या बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई? मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ. यही वाला एग्जांपल नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, फील करना इसे. घबरा मत, समझ में आएगा भाई, समझ में आएगा, चिंता मत कर. इधर देख ध्यान से,
दूसरा दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, फील करना. सपोज मैंने एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं. सपोज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब 2D प्लेन है, ग्राउंड प्लेन है अपना, ग्राउंड सरफेस है, उस पे हम 2D प्लेन ले रहे हैं. सपोज एक कोऑर्डिनेट है 3.4, 3.4 एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना. तो एक वेक्टर है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड विच इज एंडिंग एट 3.4, मतलब हेड है यहाँ पे और टेल है यहाँ पे. ये जो वेक्टर बना, इस वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, बता सकते हो. सबसे पहले ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को बनाने के लिए मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा. क्या बात समझ में आई है? 3.4 एक कोऑर्डिनेट था, मैंने 3.4 कोऑर्डिनेट यहाँ पे टेल रखा ओरिजिन पे और 3.4 पे हेड रखा, ये वेक्टर मैंने बना दिया. अब ये वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो तो इस वेक्टर को, सपोज आई कॉल इट एज अ फोर्स, ये एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है ना. तो इस फोर्स वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखना आ रहा है कि नहीं बोलो. 3i cap + 4j cap, वेरी गुड. क्या ये सबको समझ में आया है? 3i cap + 4j cap, एवरीवन, कोई खास बात नहीं है, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है. अभी सिर्फ रिप्लाई करते चलो. हाँ हाँ, जब क्वेश्चन पूछने का होगा मैं पूछूंगा. क्या ये फोर्स वेक्टर है 3i cap + 4j cap? अच्छा, अब मुझे बताओ यूनिट वेक्टर बताओ इसका, जल्दी बोलो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा. क्या इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा f वेक्टर डिवाइडेड बाय f, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ f वेक्टर, व्हिच इज 3i cap + 4j cap डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3² + 4² दैट इज 5. अब कुछ बातें बोलता हूँ, जैसे कि 3.4 जो मैंने लिख दिया था, मैं यहाँ पे एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा. आपको ये पूछना चाहिए, इनफैक्ट दिस इज वेयर आई नीड यू नो योर एक्टिव इंटरवेंशन. सर, ये फोर्स वेक्टर है तो ये 3 न्यूटन, 4 न्यूटन होना चाहिए ना सर. 3.4 कैसे होगा? क्योंकि अगर मैं फोर्स वेक्टर बनाता हूं तो मेरा आई कैप के आगे 3 न्यूटन होना चाहिए. बिल्कुल सही. तो मैं फोर्स वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख रहा हूं, तो मेरे कोऑर्डिनेट 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना. तो ये ठीक है, कोई बात नहीं. तो वो आपको समझ जाना है कि एक कोऑर्डिनेट 3 न्यूटन, एक कोऑर्डिनेट 4 न्यूटन का है. दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो 3 न्यूटन आई कैप प्लस 4 न्यूटन j कैप डिवाइडेड बाई 5 न्यूटन कर लेंगे, तो 3i + 4j/5 हो गया. क्या मेरी बात समझ में आई है? ये फोर्स वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, तो यूनिट अपना ऑब्वियसली न्यूटन में होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये लिखते नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट? तो ये न्यूटन में रहेगा, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा. यस, यू कैन फाइंड. जस्ट होल्ड. तो एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं उसको फील करता हूँ. जस्ट होल्ड. पहले इसे सुने. तो यूनिट वेक्टर आ गया 3i cap + 4j cap + 5 cap. ये ऊपर भी न्यूटन था, नीचे भी न्यूटन, न्यूटन कट जाएगा, 3i + 4j/5 हो जाएगा. दिस इज योर यूनिट वेक्टर. तो इसको लिखेंगे 3/5i cap + 4/5j cap. कुछ बातें ध्यान से सुनिए. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. फील करें क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है. 3/5 का होल स्क्वायर + 4/5 का होल स्क्वायर, क्या ये 1 ही आता है? हाँ, 1 आता है. तो कोई दिक्कत नहीं है. तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अगर हम निकालें तो हमें कितना मिलेगा? हमें 1 मिलने वाला है. देखो, मिला 1. क्या क्लैरिटी है ये? क्लियर है ये? तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी कोऑर्डिनेट दे दे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बोले, या फिर आपको आपको वेक्टर दे दे और उसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखने के लिए बोले, यू शुड बी एबल टू डू इट. क्या क्लैरिटी है ये? अब ये 2D की बात थी. क्या 3D में हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 3D में भी वेक्टर्स हो सकते हैं. सो 3D में वेक्टर्स होंगे तो वो कैसे होंगे? लेट्स ट्राई टू फील इट. समझते हैं. मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल के जरिए ये कर रहा हूँ, फील करें. देखो, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है,
और ये डायरेक्शन में मैंने z एक्सिस लिया है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा, ठीक है ना, नॉट वरी, x y और ये z एक्सिस लिया है मेरा, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर x इधर y, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x क्रॉस y इज z, ठीक है ना, समझ में आया, ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, यस यस, आई विल शो, आई विल शो, जस्ट होल्ड जस्ट होल्ड जस्ट होल्ड, आई विल शो, क्या क्लियर है ये सबको समझ में आया, ये मेरा x y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, क्लियर है ये, x इधर y ले लिया, इधर z ले लिया, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेसेस को x y और z ले लिया, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो फॉलो कर रहे हैं ये, दैट इज x की तरफ अपना राइट हैंड का पाम रखो, उसे y की तरफ घुमाओ, तो देखो z आपकी तरफ आ रहा है, z आपकी तरफ आ रहा है, क्या आपको फील हो रहा है, तो z अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ये z एक्सिस डाल दिया हमने, ठीक है ना, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जनरली फॉलो करते हैं, फील करें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x, y, z, ये पॉइंट का इस क्यूबॉइड में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो बेसिकली समझे इस चीज को, बेसिकली मैं कैसे ये पॉइंट पे पहुंचूंगा, सुने ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स बना रहा हूँ, वेक्टर के जरिए हम इसे समझ रहे हैं, ठीक है ना, समझे इस चीज को, ये मेरे पास एक वेक्टर है x वेक्टर, फिर मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया y वेक्टर, फिर मैंने एक वेक्टर लिया z वेक्टर, ध्यान से देखें इसको, थोड़ा फील करना है, ये 3D में चल रहा है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैंने 2D में 3D बनाया है, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, अब आप लॉजिकली देखें, दिस इज माय, फील करें, दिस इज माय x i कैप वेक्टर, this is my y j cap vector and this is my z k cap vector, तो मेरा जो original vector था, feel करें इस चीज को, वो ये vector था, मुझे ये vector represent करना था, feel करें, क्या ये feel हो रही है आपको, ये देखिए, So, ये जो वेक्टर है मेरा जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ध्यान से देखना, यहां पे एक्स एक्स आई वेक्टर, यहां पे तीन वेक्टर है, लेकिन ये तीनों वेक्टर अलग अलग प्लेन पे हैं, ये एक्स आई एंड वाई जे वेक्टर ये एक्स वाई प्लेन पे है, और जो ये जेड के वेक्टर है ये दूसरे प्लेन में आ रहा है, मतलब थ्री डी में मैं ये तीनों वेक्टर ले रहा हूं, एक्स आई फिर वाई जे और फिर जेड के, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने बोला था कि अगर मोर देन थ्री वेक्टर्स हम जोड़े हैं, देन वी नीड टू यूज विच रूल, पॉलीगॉन रूल, तो पॉलीगॉन रूल है, तो इसको, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाला जो वेक्टर है उसके हेड को ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा पॉलीगॉन क्लोज्ड हो गया, क्या बात समझ में आ रही है, तो ये जो है, ये जो मेरा वेक्टर है जो मैंने पर्पल कलर से दिखाया है, फील करें इस चीज को, जो मैंने पर्पल कलर से दिखाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज What is my vector? Feel करें इसे. तो ये जो वेक्टर है, क्या इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, फील करें, will it be equal to xi cap plus yj cap plus zk cap? क्या ये मेरा ये मरून कलर या पर्पल कलर वाला वेक्टर है, xi cap plus yj cap plus zk cap? Yes, sir. Can we solve it by diagonal of a cuboid? Yes, you can. Now we will understand. Now we will understand it. Now feel it. मैंने तीन वेक्टर लिए. मुझे पता है कि अगर मुझे दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना पड़ता है, तो we need to use polygon rule. Polygon rule ये बोलता है कि जब सब वेक्टर्स को लिख दे और फिर जो रिजल्टेंट होगा वो होगा, उनको एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाना है, वो भले ही 3D में क्यों ना हो. हम तीन वेक्टर ले रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए जो फोर्थ वेक्टर बना रहे हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए,
यहाँ पे ये क्लोज पॉलीगॉन 3D में हो रहा है, बट दैट्स नॉट एन इशू, वी कैन यूज इट एज दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली कॉन्सेप्चुअल. तो हमने जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आया मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास जो वेक्टर है, फील करें, मेरे पास जो वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये मेरा वेक्टर आ गया. दिस इज व्हाट इज माय रिजल्टेंट और रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स विच आर इन थ्री डिफरेंट प्लेन. तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा वेक्टर आया, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा? वो जैसा आपने 2D में किया था वो वैसा ही होता है कि i का कोफिशिएंट x स्क्वायर, x लिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, j का कोफिशिएंट y है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और k का कोफिशिएंट z है उसका स्क्वायर कर दीजिए. दिस इज व्हाट इज गिविंग यू द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर. क्या मेरी बात समझ में आई? इसको थोड़ा फील करते हैं, इसको थोड़ा फील करते हैं लॉजिकली, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा. सुने ध्यान से, देखिए ये जो ब्लू कलर वाला वेक्टर है इसकी लंबाई कितनी है? इस ब्लू कलर वाले वेक्टर की लंबाई कितनी है बोलिए? ये जो ब्लू कलर वाला मैं वेक्टर बनाया मैंने, उसकी लंबाई लेंथ कितनी है? y. Everybody understanding it? Very good. इसकी लंबाई y है. और ये जो मैंने मरून कलर वाला ब्राउनिश जो कलर है जेड की एक है, इसको जो मैंने ड्रॉ किया, इसकी लंबाई कितनी है? z. अब आप फील करें, अगर आप ये वाले फेस को देख रहे हो, कौन से फेस को? ये वाले फेस को फील करें. क्यूबॉइड के इस फेस को देख रहे हो, मैं पूरा नहीं इसको ये कर रहा हूं, इस फेस को देखो, इस फेस के ऊपर फोकस करो. इस फेस के ऊपर अगर आप फोकस करें तो ये है वाई, ये है जेड. तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट ये होगा? From triangle rule, बोले resultant कितना होगा? This. And what will be this resultant का magnitude? क्या इसका magnitude हो जाएगा? Under root of y square. Sorry, my mistake. Feel करें, ये थोड़ा समझने वाला चीज है, घबराए नहीं. Y square plus z square. क्या clarity है? क्या ये है इसका magnitude? ये blue और ये maroon color को जोड़ेंगे तो ये resultant vector होगा, इसका magnitude y square plus z square. अब आप focus करें, ये red वाला vector, ये पर्पल वाला वेक्टर और ये मरून कलर वाला वेक्टर, इन तीनों को देखें, क्या ये ट्रायंगल रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं? और ट्रायंगल रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं. और दूसरी बात, क्या यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक्स आई कैप और ये जेड के कैप, ये जो दोनों हैं, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ये एक्स आई कैप और ये और सॉरी और ये जो पर्पल कलर का बनाया है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये जो पर्पल कलर का लाइन है ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है. क्या आपको फील हो रहा है? बिकॉज ये उस प्लेन में है जो प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है. क्या आपको ये फील हो रहा है? गायब हो गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन. फील इट. थोड़ा सा 3D का इमेजिनेशन है. ये जो मैंने ग्रीन कलर से जो फेस को शेड कर दिया है, उस फेस के ऊपर फोकस करें, उस फेस के ऊपर फोकस करें. क्या आपको लग रहा है ये पर्पल कलर वाली जो लाइन है, क्या ये वाई और जेड का रिजल्टेंट है जो कि 90 डिग्री पे है? बिकॉज ये एक स्क्वायर का स्क्वायर फेस है, तो उसकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब अगर आप देखोगे ये एक्स आई कैप वाला वेक्टर और ये जो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट जिसकी मैग्नीट्यूड है वो वाला वेक्टर, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो आपका मरून कलर वाला लाइन है जो ओरिजिन से एक्स वाई जेड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, क्या ये हाइपोटेन्यूज हो गया? और अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज द रिजल्टेंट, ये है आपका रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फील करें, क्या ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्या आपको समझ में आया? Which will be under root of x square plus y square plus z square. तो basic जो आपका geometry था या coordinate geometry था या mensuration था जो आप जानते हो, क्या उसी को use करके आपने resultant vector की magnitude under root of x square plus y square plus z square लिया? गायब हो गया भाई, complete गायब, सन्नाटा एकदम सन्नाटा. Sir, I did not get when it forms 90 degree. Okay.
मुझे एक बात बता बेटा, मुझे एक बात बता, 90 डिग्री आया ये समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ सर, रिपीट अगेन। यस यस ओके, सुने ध्यान से, अब सुने सुने, आप कोई रिस्पॉन्ड मत कीजिए, अब सुने ध्यान से, जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आप सुने, मुझे एक बात बोल, ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने फेस क्यूबॉइड का कंसिडर किया है, क्या ये फेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में है? ये फेस क्यूबॉइड इमेजिन करो, क्या एक्स एक्सिस जो एक एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, क्या इसके परपेंडिकुलर में ये पूरा फेस है? परपेंडिकुलर में, तो इस फेस के ऊपर कोई भी लाइन मैं खींचूं तो क्या वो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा? इसके लिए आप क्या करो ना, आप अपने घर का किसी एक कोने को इमेजिन करो, ठीक, घर के एक मतलब आप घर का जो कोना है जहां पे तीन वॉल्स, ऊपर वाला इधर 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 और ग्राउंड ग्राउंड सरफेस, तीन वॉल्स जो मीट करते हैं, ऐसे आता है ऊपर वाला वॉल है नीचे वाला वॉल है, मीट करते हैं, उसके ऊपर फोकस करना एक बार, तो आपका कोई एक फेस ले लो, कोई एक वॉल ले लो जो कि यू नो जो कि परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द एक्सेस है, उस वॉल के ऊपर आप कोई भी लाइन ले लो, तो क्या वो यू नो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इमेजिन करो, तो क्या वो लाइन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर जो फेस परपेंडिकुलर टू द एक्सेस है, उस फेस के ऊपर कोई भी लाइन ले लो, क्या वो परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस होगा? थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए, इसको मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। बोलो अब अगर आप बोलते हो कि यू नो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आई हैव टू जस्ट आस्क यू टू थिंक, आप अपने घर में ये काम करके देख सकते हो, ठीक है ना, सोचो, ठीक है, वॉल जो वॉल बनते हैं आपके, वॉल जो है घर में, जो आपके वॉल है, दो वॉल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर का फेस है तो दो वॉल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो वही बात है, यहाँ पे दो वॉल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपका एक जो एज बन रहा है, तो किसी भी वॉल पे एक लाइन ले लो तो वो इस एज के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, कोई भी एंगल पे उस फेस के ऊपर आप ले लो, तो अगर कोई वॉल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर परपेंडिकुलर में है, तो उस वॉल के ऊपर कोई भी लाइन लो तो वो उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही होगा, इमेजिन करो। तो उससे मैंने सॉल्व किया कि रिजल्टेंट जो मेरा आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आया, मैंने कोशिश तो की है समझाने की, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस चीज को याद रखिए, क्या सुनिए, रूल्स टू रिमेम्बर, इस चीज को याद रखें, दिस इज ऑलवेज वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपके पास एक वेक्टर है, r वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो 3D में आपने लिखा है xi plus yj plus zk, मान लो 3D में आपने लिखा है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक, ये हमेशा होगा। अगर 2D में कोई वेक्टर आप लेते हो, ये 3D में, अगर 2D में आप कोई वेक्टर लेते हो तो 2D में जनरली आप दो एक्सिस के साथ ही डील करते हो, तो 2D में अगर आप कोई वेक्टर लेते हो तो इट विल बी सपोज xi कैप प्लस yj कैप, अगर आप xy प्लेन कंसीडर कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप yz प्लेन कंसीडर करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, ऐसा कोई वेक्टर आया, और अगर आप xz प्लेन कंसीडर करते हो तो इट विल बी सम वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस जेड के स्टेप। तो अगर 2D वेक्टर आप कोई भी कंसीडर करते हो, मतलब जो एक प्लेन में हो, 3D में ना हो, तो उस केस में आपका इस पर्टिकुलर वेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? लिखो इसे, लिखो इसे, क्या सबको क्लैरिटी आएगी? बोले ओमकार, व्हाट एवर यू हैव रिटन इज करेक्ट, आई हैव डन दैट ओनली, ठीक है, क्या बात समझ में आई है? लेकिन ये जो मैंने अभी रूल बताए, ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ये सबको पता होना चाहिए, दीज आर बेसिक एंड स्टैंडर्ड रूल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर अगर IJK फॉर्मेट में है, मतलब वो 3D वेक्टर है, मतलब वो वेक्टर 3D स्पेस में प्रेजेंट है या 3D स्पेस में उसको बनाया जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा
आई कैप का कोफिशियंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशियंट का होल स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे और उसको स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे. दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग. क्या क्लैरिटी आई है. अब आप बता सकते हो कि कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा. अब आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आप यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल सकते हो. चलिए एक एग्जांपल करते हैं. सपोज मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप. क्या होगा जल्दी बोलो, ओरल है ये. 2i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए. क्या होगा तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बोलो, ओरल है ये. जल्दी बताओ कौन बताएगा. क्या ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ये 2d वेक्टर है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. क्या ये आंसर आया सबका, सबका आंसर आया ये बोलो. क्या सबका ये आंसर आया, आना ही चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं. सबका आंसर आया है, नोट कर लो अपने आप को. हाँ बोलो सुजल, क्या क्वेश्चन है बोलो. 2 बाय रूट 13 आई कैप प्लस 3 बाय रूट 13 जे कैप. समझ में आई बात. क्लैरिटी है ये. एक 3D वेक्टर लो, फाइंड नहीं 3D वेक्टर नहीं, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ बता सकते हो. फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर व्हिच इज 2i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हिच इज 4i कैप प्लस 5j कैप वेक्टर. फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अब ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप. क्या करोगे सबसे पहले रिजल्टेंट निकालेंगे. व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. Resultant of A and vector and B vector is what is the sum of A vector and B vector. I've told you, resultant means sum ya addition, right? So sum ya addition karenge, to sum kya ho jayega? It will be 2i cap plus 3j cap plus B vector jodenge 4i cap plus 5j cap. Ab yahan pe main kuch naya bol raha hu, seekhe. Jab aap aise do vector ko jodoge, which are present in its component form. तो आई कैप वाले टर्म्स लाइक टर्म्स यहां पे होंगे, जो आई कैप वाले होंगे उनको एक साथ रखें और जो जे कैप वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रखें. तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इज 6 आई कैप, बिकॉज दोनों के आगे प्लस प्लस साइन प्रेजेंट है. 3 प्लस 5 इज 8 जे कैप. क्या मेरी बात समझ में आएगी. सो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 6 आई कैप प्लस 8 जे वेक्टर. मैं थोड़ा सा यहां पे पॉज लूंगा. डिड यू अंडरस्टूड इट. तो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 6 आई कैप प्लस 8 जे वेक्टर. क्या बात समझ में आई है, बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं होगा. बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. तो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 6 आई कैप प्लस 8 जे, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है उस तरफ यूनिट वेक्टर चाहिए. तो क्या होगा उस तरफ का यूनिट वेक्टर, कोई बता सकता है मुझे. आई ऑलरेडी गॉट वन आंसर. वेरी गुड वेरी गुड. क्या सबको समझ में आया. आई गॉट वन आंसर. डिड यू ऑल गेट इट. आपको आना चाहिए ये. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू. डिड यू गॉट इट. नो यस मे बी. नो यस मे बी. गुड. पीपल आर आंसरिंग. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. बोलो.
बोलो भाई, क्लियर है सबका? सबका हाथ उठना चाहिए, यहाँ पे बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। क्या क्लियर है ये? अब मैं यूनिट वेक्टर बताता हूँ, सुनो ध्यान से। यूनिट वेक्टर, वेरी गुड मृणाल, वेरी गुड। यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मेरे पास सारा डेटा मेरे पास आ जाता है, कौन हाथ उठा रहा है कौन हाथ नहीं उठा रहा है। क्या ये आ जाएगा? सिक्स आई कैप आया था ना, सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप, सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप। देखो अभी मेरे को बता रहा है कि एट दिस इंस्टेंट ओनली 5% ऑफ द कैंडिडेट्स आर रेस्पॉन्डिंग, अभी 1% हो गया, वो अभी कम परसेंट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो दिख जाता है मेरे पास, पूरा डेटा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर, क्या क्लैरिटी है ये आ जाएगा सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप डिवाइडेड बाई 10। तो क्या मेरा आंसर आया 6/10 आई कैप प्लस 8/10 जे कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? 6i plus 8j divided by 5√13. 5√13 कैसे आया भाई? How you got 5√13? 5√13 कैसे आया श्रीरंग, जल्दी बता बस, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे। हाथ नीचे करो, जल्दी बता भाई। सर लोएस्ट फॉर्म कन्वर्जन कैन बी डन, इफ यू विश यू कैन डू इट, नॉट मैंडेटरी। क्लियर है ये? इफ यू विश यू कैन डू इट, ठीक है ना। अब सुने ध्यान से, अगर मैं आपको, सुने ध्यान से, आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, अगर मैं तुमसे पूछूं ये मेरा यूनिट वेक्टर है, सपोज आपको एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, किसी एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है 6/10 आई कैप प्लस 8/10 जे कैप, अगर मैं तुमसे पूछूं ये वेक्टर या ये यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से, क्या तुम बता सकते हो व्हाट एंगल इज दिस यूनिट वेक्टर फॉर्मिंग विद द एक्स एक्सिस? बता सकते हो क्या? ये यूनिट वेक्टर दे दिया मैंने, आप ही ने निकाला अभी यूनिट वेक्टर, ये मैंने दे दिया आपको, और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मैं एंगल पूछ रहा हूं अभी, उल्टा पूछ रहा हूं, मैंने यूनिट वेक्टर दे दिया या वेक्टर दे दिया, चलो मैं आपको समझाऊंगा, पहले यूनिट वेक्टर कंसीडर करो। यूनिट वेक्टर दे दिया मैंने, पूछा ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, बताओ। 53 डिग्री, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से कैसे निकालेंगे, ये जो यूनिट वेक्टर है, सुनना ध्यान से, ये 2D में है, सबसे पहले देखो, इसको देखते ही आपको चमक जाना चाहिए कि 2D वाला वेक्टर है। हाँ, तो ये वेक्टर को बनाए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बना लिया। ये अगर 6/10 आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है तो 1 ही होगा। हाँ, अब आई कैप है 6/10, जे कैप है 8/10, मतलब ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो हो गई, ये हो गई 6/10, 8/10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग बोले क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिवर्स स्टेप, बिल्कुल सही। अगर ये 6/10 और 8/10 है तो समझे ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई है 6/10, यस सर, और ये लंबाई है 8/10, यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस सर। तो मुझे तो ये एंगल, सर ने ये एंगल पूछा x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, बता दे क्या ये 90 डिग्री है, क्या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होगा, परपेंडिकुलर है 8/10, बेस है 6/10, बोल चमका कि नहीं, इज इट इक्वल टू 8/6, 8/6 इज 4/3, बोल। हाँ, और 4/3 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी बोलो होनहारो, 53 डिग्री, यस और नो, सब लोग बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे कोई भी, क्या क्लैरिटी है ये? आई नीड अ रेज ऑफ हैंड, एवरीबॉडी इज ओके। इसका मतलब अगर यूनिट वेक्टर दे दिया रहे हैं और हमसे पूछा जाए कि वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ये सब फालतू चीजें हम बता सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? पक्का बढ़ू आगे, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? वेरी गुड। अब समझे तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा सुने अभी ध्यान से, सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, a unit vector is given by 2i cap plus 3j cap plus ck cap, find c, कैसे निकालोगे? ये वाला क्वेश्चन अभी देखो पहले, a unit vector is given by 2i cap plus 3j cap plus ck cap, find c।
सी निकालो, कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहां पे एक्चुअली एक्चुअली सॉरी सुनो ध्यान से, टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव प्लस सी ऐसा ले रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये 2 बाई 5 का होल स्क्वायर 3 बाई 5 होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या ये सही है? क्लियर है ये? तो 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 4 प्लस 9 13 अपॉन 25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस 13 अपॉन 25 विच विल बी 12 अपॉन 25। तो सी की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 25। क्या मेरी बात समझ में आई है? यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है, यस और नो? कोई खास बात नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ यहाँ पे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज ब्रॉट इनटू एक्शन हियर, कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। Yes or no? This is always valid, so you need to understand it. क्या clarity है ये? बोलो, बोलो, बोलो भाई, clear है? Everyone? No issue? Clear है? बढ़ूं आगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। अब सुने, अब सुने, तो ये यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना? अब सुने आप, आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ। ये जो आपने 3D वेक्टर लिया था, मैं फिर से डायग्राम वैसे बना सकता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा डायग्राम बना है, इसको यूज करते हैं। ये जो 3D वेक्टर है मान लो, ठीक है ना, सपोज मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें, कुछ एंगल्स दे रहा हूँ, सुने ध्यान से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। सपोज मैं एक एंगल दे रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है मरून कलर वाला, जो कि ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है विद एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको सपोज हम बोल रहे हैं अल्फा। ये मरून कलर वाला लाइन वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, लेट अस से इट इज बीटा। और ये मरून कलर वाला वेक्टर जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, सपोज इट इज गामा। ये सब ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा, डू नॉट वरी, आपने ये सब लेटर ट्रिग्नोमेट्री में देखे होंगे, ठीक है ना? तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको फील दिलाई थी, जो कि आपको थोड़ा विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना? अगर आपको समझ में आया है, तो मैंने जो यहाँ पे ग्रीन कलर वाला फेस को हाईलाइट किया है, जो शेड किया है उसे, उस पे मैंने वो पर्पल कलर की लाइन बनाई हुई है। वो पर्पल कलर की लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्या आपको ये फील आई अभी? फिर से मैंने ये बात बोली, क्या आपको ये समझ में आई? फिर से सुनो, ये जो पर्पल कलर वाली लाइन है, सुने ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, ये जो पर्पल कलर वाली लाइन है, ये पर्पल कलर वाली लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर है टू द एक्स एक्सिस, ये मैं बोल रहा हूं। डू यू ऑल एग्री? ठीक, थैंक यू। अब सुने ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एंगल बना रहा है, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल है, ये एंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऐसे, ये जो एंगल बना रहा है रेड कलर वाले से, ये 90 डिग्री है। क्या फील आ रही है आपको? ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं कॉस अल्फा लिखूं यहाँ पे, सुने ध्यान से, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसमें कौन सा है बोलो? हाइपोटेन्यूज है ये आर, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्स आई वाई जे एंड जेड के कैप। आर, आर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो cos alpha हो जाएगा बेस अपॉन hypotenuse, बेस अपॉन hypotenuse। बेस कितना है? बेस है x, ये जो रेड कलर वाला वेक्टर का लंबाई है वही बेस है, which is x, अपॉन अंडर रूट ऑफ x square plus y square plus z square। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूंगा,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से विजुलाइज करो और फील करो। क्या ये सबको समझ में आई है? एवरीवन एवरीवन, पद्मजा, पर्णिका, साल्वी, सानिया, सृष्टि, एवरीवन, सब लोग बोलेंगे। सानिका, एवरीवन, पार्थ, रिद्धेश, ओमकार, सब लोग बोले भाई। प्रणव, प्रथम, सब लोग बोले। हाँ पार्थ, बोल बोल दोस्त, क्या सवाल है, कोई क्वेश्चन है? नहीं। क्या ये सबको समझ में आया है? मैं आगे फिर नहीं बढ़ सकता हूं, ये मुझे चाहिए आंसर। सबको समझ में आई ये बात? यस सर। कॉस अल्फा ये आया, अब सुनना मैं जो बोल रहा हूं। कॉस बीटा ये यहाँ पे बनाना और थोड़ा सा इसको फील करना दिक्कत होगा, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कॉस बीटा हो जाएगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन। ये आप अच्छे से समझ सकते हो कॉस बीटा को। इसके लिए मैं एक अलग कलर लेता हूँ फील करना। क्या तुम ये समझ पाए? मैंने इस वेक्टर को पैरेलल मूवमेंट देके वाई एक्सिस के ऊपर ले आया, ले आ सकता हूं ना, तो ये वेक्टर यहाँ पे फिट हो गया। देखो ये जब बन रहा है ना तभी तुम्हें क्लैरिटी आएगी, एक बार बन जाए तो ये सब गायब हो जाएगा, तुम्हारे क्लैरिटी में कुछ भी नहीं आएगी। तो बनते वक्त देखो इस चीज को, क्या फील आ रही है? और ये जो ग्रीन कलर वाला मैंने एरो बनाया है, ये समझ में आया क्या? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये जो ग्रीन कलर वाला है, ये जो मैंने ऊपर वाला जो फेस है, जो ग्रीन कलर वाला मैंने एरो बनाया है, ऊपर वाला जो फेस है, ये ऊपर वाला फेस इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। तो ये जो ग्रीन कलर वाला लाइन है, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब सुने ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल आप चाहो या ना चाहो ये 90 डिग्री है। तो कॉस बीटा जो होगा, ये ब्लू, ग्रीन और मरून कलर वाले लाइन को देखो, कॉस बीटा जो होगा विल इट बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस है वाई और हाइपोटेन्यूज है फिर से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या चमका है, बोलना पड़ेगा दोस्त, जल्दी बोल। क्या क्लैरिटी आई है? क्या सबको विजुलाइजेशन हुआ? ये डायग्राम उतना आसान नहीं है बनाना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको फील आएगी। क्या ये सबको समझ में आ रही है बात? हो, तो कॉस गामा, सिमिलरली कॉस गामा मैं लिख के सिमिलरली लिख के छोड़ रहा हूँ, सिमिलरली कॉस गामा होगा जेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बना के देख लेना, अपने आप क्लैरिटी आएगी। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आपने बनाया है, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा है, इसका एक नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ज्यादा सवाल इस पे नहीं आते, कॉम्पिटिशन में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी इसके कुछ रिलेशनशिप्स के बेसिस पे सवाल जो बनते हैं वो हमें आना चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप एक रिलेशनशिप देखो, अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को जोड़ दो तो आपका रिजल्ट आता है 1। आता है कि नहीं बोलो, खुद से देखो, ओरली कर सकते हो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को जोड़ो, क्या 1 आता है? जल्दी बोलो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को जोड़ो, क्या रिजल्टेंट 1 आता है तीनों का? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्या रिजल्ट 1 आता है? एवरीवन बोलो यार, जल्दी फास्ट बोलो, खड़ाकट खड़ाकट, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? यस सर, आता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम 1 आता है। क्या समझ में आ रही है? इससे आप एक और रिलेशनशिप निकाल सकते हो, कि कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो मैं बना रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे। सिंपल मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th, cos square beta 1 minus sin square beta, बोल चमका की नहीं? हो, and cos square gamma is 1 minus sin square gamma, बोल चमका की नहीं? क्या ये 1 के बराबर आएगा? तो sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, एक और relationship है आपके पास, दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, आपको समझ आना चाहिए। ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 3 - 1, दैट इज 2। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विच यू नीड टू रिमेम्बर, पूछा जाता है। क्या क्लैरिटी है? क्या मुझे ज्यादा पैंपे करने की जरूरत है या समझ में आ गई ये बात? Do I need to do more pimping on this or you have understood it?
क्या क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, बोलो क्लियर है क्लियर है क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी आई है? सर रिपीट अगेन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आया है कि नहीं? बोल सुजीत जल्दी बोल, क्या कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 है? जल्दी बोल हाँ या ना। सुजीत जल्दी बोल, आया? मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिखा, फिर एक को दूसरे साइड में लेके गया और फिर सिर्फ मैं इंटरचेंज किया वेरिएबल्स को, एक साइड में लेके गया नंबर्स को, एक साइड में लेके आया, तो मेरे पास ये दूसरा रिलेशनशिप आ गया। सो दो रिलेशनशिप डायरेक्शन कोसाइन से निकल के आती है, एक आती है cos square alpha plus cos square beta cos square gamma equal to 1, दूसरा sin square alpha plus sin square beta sin square gamma equal to 2। क्या चमका है? कोई खास बात नहीं है, बेसिक बेसिक स्टैंडर्ड 10th का ट्रिग्नोमेट्री यूज किया और कुछ भी नहीं। क्या क्लियर है ये? अब हो चुका है टाइम, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो ऑन दिस। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।